हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे दोस्तों, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप देख रहे थे। जी हां दोस्तों, यह हमारा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का चौथा वीडियो है। जी हां दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो मध्य प्रदेश के अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे दोस्तों हमारा मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इसके पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं मालवा का पठार। जी हाँ दोस्तों, मालवा का पठार कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम देखेंगे मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। आज हम दो पठार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप है उसे हमने 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भाग कौन कौन से? तो पहला भाग था हमारा मध्य उच्च प्रदेश, जिसके अंतर्गत 5 भौगोलिक क्षेत्र आते थे। कौन कौन से? तो पहला आता था दोस्तों मालवा का पठार, पहला है मालवा का पठार। अगर वहीं बात की जाए तो दूसरा है मध्य भारत का पठार। अगर तीसरे की बात की जाए दोस्तों तो तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। चौथे की बात की जाए तो चौथा है रीवा पन्ना का पठार। और अगर पांचवें की बात की जाए दोस्तों तो पांचवा हो गया नर्मदा सोन घाटी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों अगला पार्ट जो कहलाता था हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसे हम 6 नंबर 6 दे सकते हैं। और जो 7वां भाग था दोस्तों वह था बघेलखंड का पठार। तो मुख्यतः तीन भाग, पहला हो गया मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा हो गया सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा बघेलखंड का पठार। तो जो उच्च मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत 5 भौगोलिक आपके क्षेत्र आते हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पन्नरीबा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो मालवा का पठार हम पढ़ चुके हैं, आप जाकर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यहां से सभी एग्जाम भी कवर होने वाले हैं। तो हमने बताया था कि दोस्तों सबसे पहले आज हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो अगर मध्य भारत के पठार की बात की जाए दोस्तों तो इसे सरसों की डलिया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरसों की डलिया भी कहा जाता है। जैसे कि हमने बोला था गेहूं की डलिया मालवा के पठार को कहा जाता है, और सरसों की डलिया मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का जो पठार है वह उत्तर की ओर ढाल है इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका ढाल उत्तर की ओर है, तभी यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वह सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम पॉइंट में देख रहे थे तो पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है किसका दोस्तों, तो हम देख रहे हैं पहले हम देखेंगे मध्य भारत का पठार। तो देखिए मध्य भारत के पठार के बारे में हम देख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार देख रहे हैं, पहली अगर बात की जाए दोस्तों तो पहली स्थिति, पहला हमारा टॉपिक था स्थिति। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्थिति। तो स्थित क्या है दोस्तों, तो देखिए जो मध्य भारत का पठार है इसकी स्थित की अगर बात की जाए तो मध्य भारत के पठार के उत्तर में उत्तर ऊपर वाला भाग है, उत्तर में यमुना का मैदान, वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो दक्षिण में मालवा का पठार, वहीं बात की जाए इसके पूर्व में तो आप बताओगे पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ये आपका इसका स्थित हो गई। दूसरा दोस्तों हम दूसरा पॉइंट जो देखते थे, तो आप बताओगे इसके उत्तर में, तो आप बताओगे उत्तर दिशा में क्या है, तो आप बताओगे उत्तर दिशा में यमुना का मैदान। वहीं अगर बात करोगे दोस्तों दक्षिण में, तो आप बोलोगे कि मध्य भारत के पठार में दक्षिण में क्या है, तो आप बताओगे दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा का पठार। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों पूर्व में, तो इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों पश्चिम में, तो पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में है इसके राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान। ये हो गई दोस्तों इसकी स्थिति। अब स्थित की बात की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट था वह था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो जो इसका क्षेत्रफल है 32,896। जी हाँ दोस्तों, 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश है
उसका 10.7, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का 10.7% है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.7% क्षेत्रफल है। अब आपको बताना है, मैं बता चुका हूं कमेंट बॉक्स में जाकर के, कि हमारे मध्य प्रदेश का कुल प्रतिशत कितना है। जी हाँ दोस्तों, कुल प्रतिशत कितना है भारत का, ठीक है ना। आप बताओगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश है कितना घेरे हुए है, और मध्य प्रदेश का आपको क्षेत्रफल भी बताना है कितने वर्ग किलोमीटर। ये दो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अब तीसरे फैक्ट की यहां पे दोस्तों बात करते हैं, तो तीसरा आप इसको जल्दी से लिख लो, नोट डाउन करिए जल्दी से। तो अब तीसरा जो हमारा पॉइंट था दोस्तों, तीसरा था जलवायु। सभी में मैंने बोला था, जितने भी हम मैदान पढ़ने वाले हैं सभी के जो पॉइंट है सेम रहने वाले हैं, ताकि आपको मेंस लिखने में दिक्कत ना हो। तो हम मालवा के पठार में भी तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे दोस्तों, तीसरा हम पढ़े थे जलवायु। क्या पढ़े थे हम? जलवायु। तब आपको बताना है जलवायु, तो जो मध्य भारत के पठार की जलवायु है दोस्तों वह कैसी है? आप बताओगे शुष्क जलवायु है, मतलब यहाँ पे आप बताओगे गर्मी में अधिक गर्म, आप बोलोगे गर्मियों में अधिक गर्म, गर्मियों में अधिक गर्म वा सर्दियों में अधिक सर्द। जलवायु की बात करें दोस्तों, मध्य भारत के पठार की जलवायु है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द होती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं वर्षा। जी हाँ दोस्तों, वर्षा। तो अगर मध्य भारत की पठार की बात की जाए दोस्तों, तो पूरे के पूरे जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र हैं उन सब में सबसे कम वर्षा होती है मध्य भारत के पठार में। जी हाँ दोस्तों, आप बताओगे पूरे मध्य प्रदेश के जो 7 भौगोलिक क्षेत्र में हमने बांटा, इन 7 में से सबसे कम वर्षा होती है मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में। तो अगर बात की जाए यहाँ की औसत वर्षा, जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र की औसत वर्षा की अगर बात की जाए दोस्तों, औसत वर्षा तो करीब 75 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, औसत वर्षा करीब 75 सेंटीमीटर है। और यहीं का जो एक जिला है दोस्तों भिंड, आपने पढ़ा होगा भिंड, वहां पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, कितनी? समथिंग 50 से 55 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, बताओगे आप? भिंड में सबसे कम वर्षा होती है 50 से 55 सेंटीमीटर, जो किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताओगे मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, पांचवें पॉइंट में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों फसलें। जी हाँ दोस्तों, पांचवें में हमने देखा था फसलें। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये वाले क्षेत्र में कैसी फसलें होंगी, वर्षा बहुत कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सरसों की डलिया भी कहते हैं। तो इसमें आप बोलोगे सरसों मोटे अनाज हुआ ज्वार, यह है यहां की प्रमुख फसलें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां की ये प्रमुख फसलें हैं, सरसों मोटे अनाज और ज्वार, इस वाले क्षेत्र में मुख्यतः तिलहन फसलें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों हमारा है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, साथ में नोट डाउन करते चलना है आपको। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो पॉइंट जो छठा है हमारा दोस्तों, तो छठे पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो छठे पॉइंट में आता है वन। जी हाँ दोस्तों, छठे पॉइंट में आता है वन। अब आप खुद बताइए कि जिस क्षेत्र में वर्षा कम होगी वहां पे वन कैसे होंगे? तो आप बताओगे सर, वहां पे वन होंगे कटीले। कैसे वन होंगे? आप बोलोगे वहां पे कटीले वन होते हैं। यहां पे कुछ होते हैं, जैसे आप तेंदू महुआ बबूल
आदि प्रकार के वृक्ष होते हैं, वन पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो पॉइंट नंबर हमारा जो है सात, पॉइंट नंबर अगर सात की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर सात में क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर सात में नदियां। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर सात में है नदियां। तो देखिए यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो आप बताओगे यहाँ की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। नदियां अगर बात की जाए यहाँ की, तो आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ की प्रमुख नदियां होंगी वह पहली होगी चंबल। इसी कारण से ये वाला क्षेत्र चंबल संभाग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप बताओगे पार्वती। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो काली सिंध। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। आप ये नहीं सोचना कि इनका उद्गम यहां से हो रहा है, नहीं, इनका उद्गम नहीं, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। अब अगले बात की जाए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात की जाए, तो पॉइंट नंबर आठ मिट्टी। इस क्षेत्र पर अगर मिट्टी की बात की जाए, तो प्रमुख मिट्टी दोस्तों है यहां की जलोढ़। कैसी मिट्टी है, तो आप बोलोगे यहां की मिट्टी है जलोढ़। और कुछ मात्रा में यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः जो प्रमुख मिट्टी है यहाँ की जलोढ़। जलोढ़ क्यों यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं, प्रवाहित होती हैं। आप देखिए चंबल नदी हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जलोढ़ कहलाता है। और इसी वाले क्षेत्र में नर्मदा द्वारा सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, मृदा का अपरदन किया जाता है, खड्ढों का निर्माण किया जाता है, जो कि इस बार PSC में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर नौ। पॉइंट नंबर नौ में हमने लिखा था दोस्तों जिले, इस क्षेत्र के जो प्रमुख जिले होंगे। तो देखिए ये वाले क्षेत्र के प्रमुख जिले यहां पे आप देख लीजिए, सबसे पहला जो होगा नीमच हो गया नीमच। उसके बाद आप देखिए यहां पर हो जाएगा आपका श्योपुर, भिंड और मुरैना, ये इसके प्रमुख जिले हो गए। किसके जिले प्रमुख, और यही बात की जाए ग्वालियर भी। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर ये यहाँ के प्रमुख जिले हो गए। अगर बात की जाए तो करीब इसमें आठ जिले आते हैं, इसके अंतर्गत आठ जिले आते हैं, जिनमें से प्रमुख जिले हैं नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दसवें फैक्ट की ओर दोस्तों। तो देखिए इसको इरेज करते हैं, तो दसवां जो होगा, दसवें में आप देखेंगे उद्योग। जी हाँ दोस्तों, दसवें में आप देखेंगे उद्योग के बारे में। तो दसवां जो होगा उद्योग, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया करिए। अब देखिए उद्योग में क्या है, तो उद्योग में आप बताओगे बानमोर सीमेंट फैक्ट्री जो कहां है, आप बोलोगे मुरैना में। वहीं अगर अगले की बात की जाए, तो आप बताओगे कैलारस शुगर मिल, कैलारस शुगर मिल, यह भी कहाँ, यह भी मुरैना में है। तो आप यहाँ पे दो उद्योग लिख दोगे। अगले पॉइंट की ओर आएंगे दोस्तों, तो जो अगला पॉइंट होगा ग्यारह नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे देखिए यहाँ पे गेरमा में हमने देखा था जनजाति। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में जनजाति है वहाँ पर आप लिख सकते हो जनजातियाँ। तो यहाँ पे मुख्यतः जो आदिम जनजाति, पिछड़ी जनजाति है कौन सी है, तो आप बोलोगे सहारिया। यहाँ पे सहारिया जनजाति पाई जाती है, तो आप बताओगे यहाँ पे मुख्यतः सहारिया जनजाति पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। अब देखिए अगला जो फैक्ट है, तो अगले फैक्ट पे हम देखते हैं, जो बारहवां फैक्ट है यहाँ पे हम देखते थे पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन, तो पर्यटन में आप लिख दीजिए ग्वालियर का किला। जी हाँ दोस्तों, फेमस है
ग्वालियर का किला व सास बहू का मंदिर। तो यहाँ से आपका जो मध्य भारत का पठार था यह भी कंप्लीट होता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य भारत का पठार भी यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे बुंदेलखंड के पठार को। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, आगे हम देखने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। आगे हम देखने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, आपका मालवा का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, तीसरा हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बुंदेलखंड का पठार है, तो बुंदेलखंड की पठार की अगर बात की जाए तो यह है बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा, यह मतलब समतल नहीं, बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में मिट्टी भी करीब करीब मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कई प्रकार की यहाँ पे मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो पहला पॉइंट हम सब में कॉमन देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, अब हम देख रहे हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार के बारे में अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट सभी में क्या रहता है, उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों स्थिति। तो देखिए स्थिति हम क्या बताएंगे, जो बुंदेलखंड का पठार है उसके पश्चिम में मध्य भारत का पठार। देखिए पश्चिम में मध्य भारत का पठार, आप बताओगे पश्चिम में मध्य भारत का पठार। क्योंकि दोस्तों स्थिति में आपको यही लिखना है, अगर आप इसका अच्छांशी और देशांतरी विस्तार जाओगे तो वो भूलने वाला, और आप गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए आप स्थिति में आपको ये लिखना है। अगर बात की जाए तो इसके दक्षिण में, तो आप बताओगे दक्षिण में आप बताओगे मालवा का पठार व पन्ना रीवा का पठार। वहीं अगर बात की जाए उत्तर में तो इसके उत्तर में आप बताओगे यमुना का मैदान। वहीं अगर पूर्व में बात की जाए तो पूर्व में इसके यूपी है, उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र में इसके उत्तर प्रदेश लग जाता है। तो ये इसकी हो गई दोस्तों स्थिति। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरे पॉइंट में हमारा क्या होता था दोस्तों, दूसरे पे होता था इसका क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, इसका होता था क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका है 23,733। जी हाँ दोस्तों, 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का, आप बताओगे एमपी के कुल क्षेत्रफल का 7.7% क्षेत्र घेरे हुए है। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्षेत्रफल। अब आगे तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए आप, जो तीसरा सभी में लिख रहे थे जलवायु। अब आपको तीसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों जलवायु। तो जलवायु वाला क्षेत्र देखिए, जलवायु, तो इसको यहां से मिटाते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। तीसरा जो है जलवायु, तो हम तीसरे में लिखने वाले हैं जलवायु। तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु
तो दोस्तों जो जलवायु है, तो जलवायु इसकी मालवा, ये जो मध्य भारत का पठार है, इसी के जैसी है जलवायु। आप बताओगे गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक सर्द। दोस्तों ये हो गई यहाँ की जलवायु। हमने मालवा की जलवायु सम जलवायु देखी थी, आपको ये याद रखना है, कई बार पेपर में आया है। वहीं मध्य भारत के पठार की अगर बात की जाए तो गर्मी में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्द, और यह इसी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ की भी जलवायु, इन दोनों की जलवायु करीब करीब सेम है। तो ये हो गया आपका जलवायु। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, चौथे पॉइंट में हम क्या लिखते थे, चौथा पॉइंट है वर्षा। जी हाँ दोस्तों, वर्षा। तो अगर वर्षा की बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, तो वर्षा यहाँ की लगभग लगभग दोस्तों 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर करीब होती है। अगर बात की जाए दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में, तो यहाँ का जो वर्षा का वितरण है वह 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, पूरे मध्य प्रदेश का जो है औसत वर्षा कितना है, तो आपको बताना है औसत वर्षा कितनी है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की ओर, हमारा पांचवा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, पांचवें पॉइंट की अगर बात की जाए तो पांचवा पॉइंट है दोस्तों फसल। जी हाँ दोस्तों, पांचवा पॉइंट की अगर बात की जाए फसल फसल तो यहां की प्रमुख फसल है दोस्तों ज्वार। ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज, ठीक है ना। ये आपको क्योंकि मिट्टी कैसी है, मिश्रित, और वर्षा भी करीब करीब ऐसे, तो यहाँ पे फसलें करीब करीब सेम ही होती हैं मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड के पठार में। अगले फैक्ट की बात की जाए दोस्तों, फैक्ट नंबर जो हमारा 6 है, पॉइंट नंबर 6, उसकी बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे वन, छठे पॉइंट हम देख रहे थे वन, तो वन यहाँ पे करीब 30% वन है। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में करीब 30% वन है। और अगर बात की जाए यहाँ पे प्रमुख वृक्ष, तो अगर वन की बात की जाए तो यहाँ पे हर्रा महुआ प्रमुख यहाँ की वनस्पतियां या वन हैं, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, जो कि सातवां पॉइंट होने वाला है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब चलेंगे हम सातवें पॉइंट की ओर, तो सातवें पॉइंट की ओर चलते हैं। सातवां पॉइंट जो है दोस्तों नदियां। जी हाँ दोस्तों, सातवां पॉइंट है यहां की प्रमुख नदियां। नदियां नदियां डिटेल में भी दोस्तों पढ़ाने वाले हैं, तो आपको यह याद रखना है। अब चलेंगे हम नदियों की ओर, तो यहां की जो नदियां हैं प्रमुख दोस्तों वो है बेतवा और केन। यहां की यह प्रमुख नदियां हैं, बेतवा और केन यहां की प्रमुख नदियां हैं, तो आपको यह भी याद रखना है, बेतवा और केन बुंदेलखंड की। बस आपको यह याद रखना है दोस्तों, ये निकल नहीं रही हैं बुंदेलखंड के पठार से, निकल नहीं रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूं, तो बेतवा प्रवाहित होती है और केन प्रवाहित होती है। अगले की बात करते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर हमारा जो है 8। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 में हम देखेंगे दोस्तों मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं मिट्टी की, तो आपको देखना है सभी का क्रम हम सेम लिख रहे हैं दोस्तों, मिट्टी 8वें पॉइंट में सभी में हमने मिट्टी देखा। तो यहां पे अगर बात की जाए दोस्तों, तो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी व लाल मिट्टी, यहाँ पे करीब करीब मिश्रित मिट्टी पाई जाती, सभी मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की, तो पॉइंट नंबर जो हमारा 9 है उसमें हम देखते हैं जिले। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 में हम देख रहे हैं जिले, तो इसके प्रमुख जिले की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमुख जिले हो गए इसका टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, सागर आदि, आपको चार जिले ही रखना है, ठीक है ना, आदि इसके प्रमुख जिले हो गए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आपको क्या लिखना है दसवें में, दसवें पॉइंट में हम लिख रहे थे दोस्तों उद्योग। जी हाँ दोस्तों,
उद्योग, अगर उद्योग की बात करें तो यहाँ पे अगर मुख्यतः उद्योग की बात करें तो चीनी मिट्टी उद्योग, जी हाँ दोस्तों, चीनी मिट्टी उद्योग और जो जराई उद्योग होता है दोस्तों, जराई उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर बात की जाए उद्योग की, तो उद्योग यहाँ पे चीनी मिट्टी उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और जराई का उद्योग भी यहाँ पे फेमस है। अब 11वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कोई विशेष जनजाति नहीं है, इसीलिए हमने पॉइंट ज़्यादा लिखा है। तो आप लिख लीजिए 11वें पॉइंट में पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम जनजाति नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 11वें पॉइंट में लिखेंगे पर्यटन, जो कि 12वां पॉइंट हुआ करता था पर्यटन। तो अगर पर्यटन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। और अगर बात करें तो कलिंजर का किला, आता तो यूपी में लेकिन बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही है। तो यहाँ से हमने देख लिया पर्यटन, तो ये हमारा होता है पर्यटन। अगर आप बात की जाए दोस्तों बुंदेलखंड के जो सर्वोच्च चोटी है वह है सिद्ध बाबा चोटी। आपको एक फैक्ट याद रखना है कि बुंदेलखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वह सिद्ध बाबा चोटी है। कहाँ, इसको यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, सर्वोच्च चोटी, मिटा देता हूं इसको, फिर लिखता हूं सर्वोच्च चोटी। ये फैक्ट आपको याद रखना, बुंदेलखंड की सर्वोच्च जो चोटी है आपको लिखना है फैक्ट डाल के, बुंदेलखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, सिद्ध बाबा चोटी। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो 11.72 मीटर, जी हाँ दोस्तों 11.72 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है, 11.72 मीटर, 11.72 मीटर है सिद्ध बाबा की चोटी। तो यहाँ से आपका बुंदेलखंड का पठार भी कंप्लीट होता है। तो हमने मध्य भारत के पठार में तीन पठार दोस्तों कवरअप कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारे बचे हैं दो पठार कौन कौन से इस वाले क्षेत्र में, तो हमारा बचा हुआ है रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। तो आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है और ईमानदारी के साथ पढ़ते चलना है। तो देखिए एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि हमने अभी तक मध्य प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन था उसको हमने देखा तीन भागों में डिवाइड थे। कौन कौन से, तो आप बोलोगे जो हमारा पहला था उच्च मध्य उच्च प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश को पांच भागों में बांटा है। कौन कौन सा, पहला हमने देख लिया मालवा का पठार, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया मध्य भारत का पठार और तीसरा हमने पढ़ लिया बुंदेलखंड का पठार। अब चौथे की अगर बात करें दोस्तों, तो चौथा पन्ना रीवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार पांचवा। तो चौथा और पांचवा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो छठवां पार्ट था, जो कि यहाँ पे अगर बात की जाए दूसरा, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी और आगे जो बात करेंगे हम बघेलखंड के पठार में। तो अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे पन्ना रीवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार, फिर जो उसके बाद का क्लास होगा उसमें हम देखेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो इसके बाद आप करीब दो तीन वीडियो में यह कवरअप हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड पूरे एमसीक्यू लेकर के आएंगे जो एग्जाम में आते हैं। अब एक बात और, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ कि आप अगर वाकई में पसंद है तो लाइक करिए, और नहीं आया, कुछ कमियाँ रह गई हैं तो आप डिसलाइक करिए और कमेंट में जा करके बताइए हमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। क्योंकि आपके सारे कमेंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जो भी सुझाव होते हैं उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।